राजनीति में कदम रखते ही सनी देओल के लिए एक परेशानी खड़ी हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बायोपिक पर हुए विवाद बाद अब गुरदासपुर से भाजपा प्रत्याशी सनी देओल की नई फिल्म ब्लैंक भी विवादों में आ सकती है। ये मतदान से 2 हफ्ते पहले 3 मई को रिलीज होने जा रही है। इसकी प्रमोशन का सिलसिला काफ़ी समय से जारी है। फिल्म में सनी देओल आतंकवाद निरोधक दस्ते प्रमुख की भूमिका में है, जो आतंकवादियों के मंसूबे पर पानी फेरता है, जो भाजपा नेताओं खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियों में जोर शोर से गूंजता है। गुरदासपुर से कांग्रेस प्रत्याशी सुनील जाखड़ का कहना है कि वह फिल्म की अपने स्तर पर जांच करवाएंगे, कुछ गलत लगा तो आयोग से शिकायत करेंगे कि फिल्म को बैन करें। स्थानीय नेताओं का मानना है कि बॉर्डर हल्का होने की वजह से गुरदासपुर पहले से आतंकवाद के परेशान है, 2 आतंकी हमले पहले भी झेल चुका है। फिल्म में आतंकियों से निपटने व एक्शन रूपी छवि से सनी देओल का फायदा हो सकता है। बॉर्डर हल्का होने के कारण राष्ट्रवाद व सर्जिकल स्ट्राइक जैसे मुद्दों पर यहां खास असर होगा। फिल्म 11 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन शूटिंग में देरी के चलते अब 3 मई को रिलीज होगी। ट्रेलर इसी माह जारी किया गया है। परेश रावल की ओ माय गॉड फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका निभा चुके बेहजाद खंबाटा को यह फिल्म मिली है। टाइटल सॉन्ग वार्निंग नहीं दूंगा भी कुछ दिन पहले ही जारी हुआ है और आज ब्लैंक का दूसरा गाना अली अली भी रिलीज हो गया है। डिस्ट्रीब्यूटर्स को उम्मीद है मिलेंगे ढेर सारे दर्शक। कुछ फिल्म डिस्ट्रीब्यूटर ने बताया कि फिल्म को लेकर उत्साहित काफ़ी हैं लोग। सनी की फिल्म 1 साल बाद आ रही है, उनके पंजाबी पुत्र होने के नाते ज़्यादा दर्शक फिल्म उनकी देखेंगे। कुछ ही दिनों में ऑनलाइन टिकट भी मिलने शुरू हो जाएंगी इस फिल्म को। वैसे आप क्या फिल्म देखना पसंद करेंगे या नहीं? वैसे क्या चुनाव आयोग पीएम नरेंद्र मोदी की बायोपिक की तरह सनी देओल की ब्लैंक को भी बैन करवा सकता है या नहीं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको इस बारे में क्या विचार करते हैं। धन्यवाद।